हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी एंड इंस्टेंट मोमोज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट स्टार्ट विद आवर रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है 2 से 3 कप मैदा। उसमें हम 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हो या कोई भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर द टेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी लिया है, उसको हम धीरे धीरे करके इसमें डाल के एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। और फाइनली इस पे ऑयल लगाकर इसको अच्छे से मसल कर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। मोमोज की स्टफिंग के लिए हमने लिया है कैबेज, ओनियन, स्प्रिंग ओनियन, ब्रोकली, गाजर, और इसको इस ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। इसके साथ हमको लगेगा थोड़ा सा हरी मिर्च, साथ में लहसुन एंड अदरक। और ये हमारा आटा है जो कि हमने 10 मिनट के लिए साइड में रख लिया था। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स अपने चॉइस की भी ले सकते हो। अब एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेकर उसमें ग्रीन चिलीज, अदरक और लहसुन थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। एंड फाइनली सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल देना है। मैंने एक साथ डाल दिया है, आप एक एक करके भी डाल सकते हो। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एज पर द टेस्ट डालना है एंड मिक्स कर लेना है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे और फिर एक बाउल में निकाल के अलग रख लेंगे। अब मोमोज को स्टीम करने के लिए हमने मोमोज मेकर नहीं लिया है, हमने वही फ्राइंग पैन लिया है जिसमें हमने स्टफिंग प्रिपेयर की थी। उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसके ऊपर एक परात रख दी है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसको प्रॉपर ऑयलिंग करके इसी के ऊपर हम मोमोज रखेंगे एंड फाइनली इसको इसके लिड से कवर कर देंगे। तो ये हमारा घर पर ही मोमोज मेकर रेडी हो गया है। अब हम मैदा का छोटा सा रोल लेकर उसको बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने इस पूरे प्रोसेस में अपने मॉम की हेल्प ली है। आप भी अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से इसको बना सकते हो। एंड फाइनली एक इसकी पतली गोल रोटी बना लेनी है। अब इस रोटी को हाथ पे लेके थोड़ा सा स्टफिंग डालनी है और एक लेयर पकड़ना है। एंड उसी लेयर को हमें कंटिन्यू करते हुए एक रैप बना लेना है। एंड फाइनली जब ये रैप बन जाएगा तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको हम अपने मोमोज मेकर में डाल देंगे स्टीम करने के लिए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ स्टीम मोमोज को हमें दूसरे एंड पे भी पलट लेना है ताकि उधर भी वो अच्छे से पक जाएं। तो अब हमारे मोमोज खाने के लिए रेडी हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।